बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे पीएमसी के स्कॉलरशिप्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह की सी ईमेल रिसीव हो रही है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर पीएमसी नेशनल एमडीकेट स्कॉलरशिप इज इन फाइनल स्टेज ऑफ असेसमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म बाय टूडे विच कॉलेज और कॉलेजेस यू हैव रिसीव्ड ऑफर ऑफ एडमिशन फ्रॉम और हैव एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर एडमिशन। अब इसमें जो है इनको ये लिंक प्रोवाइड किया गया। अब इसमें आप लोगों को जो है इस क्लिक के ऊपर करके और आप लोगों ने बताना होगा कि भाई आपका किस किस मेडिकल कॉलेज में आपको ऑफर आई थी और आप लोगों ने किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने एक्सेप्ट किया है। और ये इस तरह की ईमेल जो है आपको, जो आप लोगों ने रजिस्टर की थी अपनी ईमेल एड्रेस, उसी ईमेल के ऊपर आई होगी। और आपने यहाँ पे क्लिक करके और फिर अपना वही आपने बताना होगा कि भाई आपके किस किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है और आपने किस किस के अंदर एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद जो है फिर आपका ये फर्दर प्रोसेस आएगा। अब लगे पीएमसी ने जो कि कल एक चेरी के अंदर एक बात की थी कि ये जो आपका स्कॉलरशिप्स है उसका जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी तक जो आ जाएगा। और पहले ये कहा जा रहा था कि 30 दिसंबर तक आएगा, लेकिन अब जो है वो डेफिनेटली वो ये कहा गया कि 10,000 स्टूडेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है। और ये बात जो है डॉक्टर अर्शद तकी साहब ने की है, जो कि प्रेसिडेंट है पीएमसी के, कि वो 10,000 स्टूडेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया और उसमें जो इसकी स्क्रूटिनी है और इसकी जो कि प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। तो अब स्टूडेंट्स को जो है इस तरह की ईमेल आने लग गई है कि भाई जिन जिन स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप है वो फाइनल स्टेजेस में जा चुके हैं उनसे ये रिक्वायर्ड किया कि भाई आप लोग बताएं कि आपका किस एडमिशन, किस कॉलेज में आपका एडमिशन आपने रिसीव किया और किस किस कॉलेजेस में जो है आपको ऑफर आपको आई है, उसके बाद ही जो है फिर आपको फाइनल स्कॉलरशिप के हवाले से बताया जाएगा। अब इसके अलावा बताते चले गए आप लोगों को, अगर ये टोटल अगर हम लोग अमाउंट बताते चले गए तो तकरीबन 37 करोड़ रुपीज जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पीएमसी ने जो है ये सेटअप किया था जिसमें 360 मिलियन रुपीज जो है वो स्कॉलरशिप रखा था। और इसमें जो है ना सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि लोन और जो के इस तरह करके लोन भी प्रोवाइड करेंगे जो के इंटरेस्ट फ्री लोन हो गए। अब इसमें ये एक बात इस तरह की जाहिर आ रही है कि आपका जो के स्कॉलरशिप है वो काफ़ी कम है और 10,000 स्टूडेंट्स में से बहुत कम स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। अंदाजन ये बात की जा रही है कि 500-600 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स का लोन मिलेंगे और 100% स्कॉलरशिप जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो उनका कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 50% या इस तरह करके होगा। 100% स्कॉलरशिप बहुत ही डिजर्विंग और बहुत ही ज्यादा हाईली जो कि जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको ही मिलेगा और वो 2-3% होंगे। और उसके बाद आपकी जो प्राइवेट मेरिट लिस्ट जो है उसमें जो आपका क्लोजिंग मेरिट होगा डेफिनेटली अब वो गिरेगा। और जो क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, लेकिन उनको ये भी चांस है कि वो स्कॉलरशिप उनको मिल जाए, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली वो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ेंगे तो फिर नई लिस्ट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लगने लग जाएगी। अब इसके अलावा और भी अगर प्राइवेट में इसके अलावा अगर और भी स्कॉलरशिप के हवाले से अपडेट्स आई हम लोग वो भी आपसे शेयर करेंगे। आप लोग पीएमसी की वेबसाइट पर जाके भी फर्दर जो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। और अगर हम लोग लास्ट बताते चले गए इसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई स्कॉलरशिप होगा किस किस तरीके से, इन्होंने जो है वो ये इतना बड़ा फंड इकट्ठा किया और उसमें किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाई है वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये काफी एक अच्छी अमाउंट पे स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, लेकिन नाम से बात है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया, तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से जो है 500-600 स्टूडेंट्स को ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होगा जिनको लोन मिलेगा और लोन उनको फिर रिटर्न करना होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जो है वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद आने वाली अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।